तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल देखने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस इनपुट आउटपुट कैंपस यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कुछ भी डोनेशन करना हो तो यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चला जाते हैं VS Code एडिटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रख दिया MVC नाम के, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जितना भी MVC आर्किटेक्चर के कोड होगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वर कैसे क्रिएट करना है ये तो हमने बहुत बार देख लिया है। अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस जेएस का पूरा सीरीज नहीं देखा, पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा, तो प्लीज पहले से जाके देख लो, क्योंकि सर्वर कैसे क्रिएट करता है और बहुत सारी चीजें हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो पूरा प्लेलिस्ट पहले देख लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले npm को इनिशियलाइज करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेंगे और फाइल का नाम क्या होगा, index.js। सो यहाँ पे मैं लिख दिया index.js, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, npm को इनिशियलाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm init -y, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंटरफ्रेस कर दिया और ये हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लियर और हम लोग जाते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। तो ये देखो हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो जरूरी है। तो कौन कौन सा पैकेज चाहिए, पहले तो चाहिए एक्सप्रेस, उसके बाद क्या चाहिए, नोडेवन चाहिए, बॉडी पार्सर चाहिए, और व्यूज के लिए हम लोग EJS को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को एक साथ इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं npm install express nodemon body parser, ठीक है। तो body parser हम लोग यूज करेंगे, body parser हम लोग यूज करेंगे मिडिलवेयर के लिए, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिया है और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं body parser, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यूज के लिए हम लोग EJS यूज करेंगे। तो EJS का हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर और ये सारे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नोडेमॉन के जगह मोडेमॉन हो गया। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं npm इंस्टॉल नोडेमॉन, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। अभी हम लोग पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं और यहाँ पे देखो नोडेमॉन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी का भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं रिमूव, ये तो इंस्टॉल हो गया है, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर और EJS इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो इसको करते हैं इंस्टॉल, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर आ गया, ठीक है। सारा डिपेंडेंसीज हम लोग का इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको करते हैं क्लियर और हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे इंडेक्स डॉट जेस के अंदर, यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम लोग पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, नोडेमॉन को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोडेमॉन इंडेक्स डॉट जेस। तो इंडेक्स डॉट जेस क्या है, हमारा मेन फाइल है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके वजह से हम लोग npm स्टार्ट करके सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा जब भी हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव और अभी जाते हैं इंडेक्स डॉट जेस में। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस को हम लोग कर लिया रिक्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बॉडी पार्सर को भी यहाँ से रिक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, ठीक है। तो बॉडी पार्सर भी रिक्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस से, तो एक्सप्रेस को हम लोग ऐप में रख दिया और
यहाँ पे हम लोग पोर्ट ले लेंगे 3000, ठीक है। तो 3000 पोर्ट ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ डॉट लिसन, और यहाँ पे मैं पोर्ट दे दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा लॉक, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्वर स्टार्टेड एट HTTPS लोकल होस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अभी इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं NPM स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो NPM स्टार्ट कर दिया। अभी देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो सर्वर पे जाते हैं और देखते हैं, अभी देखो क्या आ रहा है, दिस साइट कांट प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HTTPS दे दिया, तो ये क्या होगा, HTTP होगा। तो इसको करते हैं रिमूव, और अभी करते हैं सेव। ये हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अभी फिर से जाते हैं और फिर से देखते हैं, अभी क्या दिखा रहा है, कैन नॉट गेट, मतलब हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉडल व्यूज और कंट्रोलर को सेट करेंगे। तो पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मॉडल के लिए, व्यूज के लिए और कंट्रोलर के लिए, ठीक है। तो पहले मैं MVC के अंदर गया और यहाँ से फोल्डर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया मॉडल्स, ठीक है। तो फिर से मैंने MVC के अंदर गया और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया व्यूज, ठीक है। तो फिर से मैंने गया, तो मॉडल और व्यूज तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर्स भी हो गया। तो मॉडल्स के लिए, व्यूज के लिए और कंट्रोलर्स के लिए तीन सेपरेट फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मैं मॉडल्स में एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मॉडल के अंदर गया और उसके बाद फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डू मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल का लॉजिक लिखूंगा। तो सिमिलरली मैं चला जाता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है, और कंट्रोलर्स पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दूंगा, टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस। तो इसका नाम से ही पता चल जाएगा कि ये टू डू कंट्रोलर है या फिर मॉडल है या फिर व्यूज है, ठीक है। तो व्यूज के लिए भी मैं व्यूज पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ टू डूज डॉट ई जे एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग EJS यूज करेंगे। तो EJS कैसे यूज करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मॉडल पे जाते हैं। तो हमारा मॉडल कहाँ है, ये मॉडल्स फोल्डर के अंदर है। तो पहले सारे को करते हैं क्लोज, और यहाँ पे भी हम लोग क्लोज कर देते हैं कंट्रोलर को, इसको भी, और पैकेज डॉट जेसन का। अभी हम लोग कहाँ पे है, टू डू मॉडल डॉट जेस। तो यहाँ पे हम लोग टू डू का बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरे ले सकते हैं, ठीक है। एरे के अंदर क्या रहेगा, जितना भी डेटा रहेगा वो एरे के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। तो एरे से ही फेज होगा, एरे पे आके स्टोर होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख दिया लेट टू डूज इक्वल्स टू एरे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, टू डूज को गेट करने के लिए और ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट गेट ऑल टू डूज, ठीक है। तो सारे टू डूज को गेट करने के लिए, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे दिया, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा टू डूज, ठीक है। तो टू डूज के अंदर जितना भी डेटा रहेगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और सेकेंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू डू। तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कॉन्स्ट ऐड टू डू, और ऐड टू डू में क्या होगा, यहाँ पे एक डेटा आएगा, जो भी ऐड करना चाहता है वो डेटा इसके अंदर आएगा।
यहाँ पे मैं लिख दिया टू डू, ठीक है, जो भी डेटा इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे टू डू लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या होगा, टू डूज के अंदर हम लोग पुश करेंगे, तो टू डूज डॉट पुश, इसको पुश करेंगे, जो भी डेटा आएगा, कौन सा डेटा आएगा, ये टू डू डेटा आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस एरे के अंदर पुश कर दिया, तो यहाँ पे दोनों काम ही करूंगा, गेट करने के लिए और ऐड करने के लिए। अभी हम लोग इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, तो कैसे एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू गेट ऑल टू डूज और क्या है ऐड टू डू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल का काम, ठीक है।